बताओ मैंने परागण की क्रिया में क्या बताया था? दीदी, परागण में पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ठीक। परागण के बाद निषेचन होता है, जिसमें फूल से फल बनते हैं। अच्छा बताओ, फूल के जननीय अंग कौन कौन से होते हैं? ये है पुंकेसर। ये फूल का नर जननी अंग होता है। ये फूल का स्त्री केसर है और फूल का स्त्री जननी अंग होता है, जिसमें ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र हैं। लेकिन दीदी, ये तो चिपचिपा है। हाँ, फूल का वर्तिकाग्र लजदार और चिपचिपा होता है। ये क्या है दीदी? ये मोटा भाग अंडाशय है और इसमें बीज बनते हैं। परागण के बाद निषेचन होता है, जिसमें फूल से फल बनते हैं। अब मैं इस फूल में अंडाशय काट के दिखाती हूँ। अब मैं पंखुड़ी निकालती हूँ। अब एक एक करके पुंकेसर को अलग करूंगी। ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और यह अंडाशय। अब हम काटेंगे अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, जिसमें ये बीजांड है, इसमें छोटे छोटे बीज हैं। यदि अंडाशय लंबाई से काटा जाए तो इसकी रचना इस प्रकार दिखाई देगी। यह है अंडाशय। बीजांड, बीजांड में एक सिरे पर छिद्र होता है। इस छिद्र को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार। बीजांड में भ्रूण कोश होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने से हमें पता चलता है भ्रूण कोश 8 केंद्रीय होता है। भ्रूण कोश। सूक्ष्मदर्शी से देखने से हमें पता चलता है बीजांड में भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश 8 केंद्रीय होता है। इसमें 3 केंद्रक नीचे, 3 केंद्रक ऊपर और 2 बीच में होते हैं। नीचे बीजांड द्वार के पास 3 केंद्रक में से 1 केंद्रक बड़ा होता है, जिसे स्त्री कोशिका भी कहते हैं। यह केंद्रक अंडा बनाता है।
यह है पराग कण की रचना। सूक्ष्मदर्शी से देखें तो पता चलता है कि यह है पराग कण और यह है इसका केंद्रक। पराग कणों के वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद यह पराग कण क्रियाशील हो जाते हैं और इस पराग कण में विभाजन होता है। इसमें दो नर कोशिकाएं बनती हैं। और एक नली कोशिका बनती है जो पराग नली बनाती है। इस पराग कण में पराग नली निकल आती है। यदि पुष्प को लंबाई से काटा जाए तो इसकी रचना इस प्रकार दिखाई देगी और इसमें निषेचन की क्रिया भी दिखाई दे रही है। यह है वाहिदल, पंखुड़ी, नर कोशिका, स्त्री कोशिका, भ्रूण कोश, बीजांड, अंडाशय, पराग नली, वर्तिका, वर्तिकाग्र, पराग कोश, पराग कण। पराग कोश से यह पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और इनमें नलियां निकल आती हैं। यह पराग नली वर्तिका से गुजरती हुई बीजांड से होकर बीजांड द्वार तक पहुंच जाती है। बीजांड द्वार पर आकर यह नली फट जाती है और दोनों नर कोशिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती हैं। दोनों नर कोशिकाओं में से एक कोशिका स्त्री कोशिका के साथ संपर्क स्थापित करती है और भ्रूण बनाती है। इसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। एक नर कोशिका जो बच जाती है वह बीच के दोनों केंद्रक भ्रूण कोश से संबंध स्थापित करती है और भोजन बनाती है। इस प्रकार निषेचन के पश्चात बीजांड बीज बन जाते हैं और अंडाशय फल बनाते हैं और फूल की पंखुड़ियां और वाहिदल सूख जाते हैं।